सर ये जी सर आपने अभी बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं, से पूछ रहे हैं किनसे? आपसे सर। अच्छा, कन्हैया जी से। शुक्रिया आपका। हाँ, आपने बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं, दलित है, बहुत से पिछड़े वर्ग भी हैं। एक मुद्दा है, शायद आपने बात नहीं की अभी तक, या मैं उस पर आपका विचार जानना चाहूंगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन SC के लिए, ST के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? अगर रिजर्वेशन लेना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पर, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप पूरे देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक चेहरा बन चुके हैं। अगर स्टूडेंट कोई भी यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर कोई देख रहा है तो वो आपका एक चेहरा देख रहा है, तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? एक क्वेश्चन और है, मुंबई यूनिवर्सिटी दो काफी, प्लीज सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मुंबई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके से बंद है, तो इसके लिए क्या आप कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि आपका मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी है, तो आप इसके लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो वो सवाल। थैंक यू। देखिए, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, पता नहीं जवाब अच्छा लगेगा कि नहीं। देखिए, एक बात तो समझिए, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से दिए गए रिजर्वेशन के अलावे इस देश में कोई अप्रत्यक्ष रिजर्वेशन काम करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले इसको समझिए। मसलन चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ, ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूं कि आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है, और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं और हम जो है तरसते रहते हैं दोजुन रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको खत्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है। लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो इसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। चलिए इस आंकड़े पर भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पे क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूं और मैं IAS बन गया हूं, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहां प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली दे करके जाएंगे। क्या आज भी बेटी रोटी के संबंध जिसकी मैं बात कर रहा था वो फ्रीक्वेंसली समाज के अंदर बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या हमको ये जो ऑनर किलिंग होता है, कुछ लोगों की किताब बैन कर दी जाती है, कुछ लोग जो खास जाति से आते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, तो जो हम एक इक्वल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे? हमको लगता है, मैं समझता हूँ कि एक जो लाइन खिंची हुई है ना, जिसमें डायनेस्टी से लोग जो है अरबपति पैदा होते हैं, लीडर पैदा होते हैं, उनके पास एक बैकग्राउंड होता है, बहुत धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसी समाज का है, उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएंगे? तो एक जो लाइन खींची हुई है ना, उस लाइन के बराबर जो है एक बड़ी लाइन खींचेंगे, ये रिजर्वेशन की कोशिश थी। मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि आपके हाथ में कोई जख्म है, और वो जख्म आज का नहीं है, पिछले 5000 सालों का जख्म है वो,
और उस जख्म को ठीक करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हाथ काट करके ही फेंक देंगे। पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन अलग अलग फॉर्म में दिए जाते हैं। अफर्मेटिव एक्शन। सपाल ये है, मैं अफ्रीका के ऊपर काम कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला जब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने एक थ्योरी दिया ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन का, जिसमें जो गोरे लोग थे उनको कहा कि कोर्ट में आइए, एक्सेप्ट कीजिए, सोसाइटी में मिल करके रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियां से नहीं लिया जाएगा, मेरे बाप दादा ने दलितों के साथ क्या किया इस आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार बार भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो उस मानसिकता के खिलाफ है। और उस मानसिकता के चलते ये हुआ है, आप उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, जाटप जो है वो नॉन जाटप में शादी नहीं करते हैं, जबकि वो दोनों दलित हैं। तो ये जो मानसिकता है हायरार्की वाली, जो आपको हमसे अलग करता है, उस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और जब तक आप कोई मेटरलिस्टिक चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो ये सिर्फ आदर्शवादी कामना करने से ये समाज में लागू नहीं होता है। आज एफर्मेटिव एक्शन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में गए, एकेडमिक्स में आए, और उन्होंने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, और वो जो एसर्शन है उस एसर्शन के चलते ही आज हम ऐसे माहौल में रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे कि क्या करेंगे, मैं समझता हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे साथ राजनीति शुरू हो गई थी। देश ने के अंदर जो सरकार थी उस वक्त, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आधार पे हर गर्भवती महिला को पोलियो का टीका नहीं लगाई होती तो हो सकता है कि मैं पोलियो ग्रस्त पैदा होता। तो आपका पैदा होने से पहले ही आपके साथ राजनीति शुरू कर लेती है। ये आपके ऊपर है कि कब आप निर्भर करते हैं कि आप सेंटर ऑफ द स्टेज हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको उसी मार्जिनलाइजेशन के खिलाफ सेंटर ऑफ द स्टेज बनने की जरूरत है। और राजनीति का ये कतई मतलब नहीं है कि जाइए किसी पार्टी में शामिल हो जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए और जम करके जो है लूट खसोट करके अपना धंधा सेट कर लीजिए, ये राजनीति नहीं है। राजनीति सिद्धांत के आधार पे, विचारधारा के आधार पे, समाज को बेहतर बनाने के लिए। तीसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जरूरी है, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। इस देश के अंदर अभी जितना लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पैदा हुआ है। लेकिन उसको अगर आप कहेंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना चाहिए तो कहेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्या जरूरी है राजनीति में जाने की। तो आपको पूछिएगा कि आपके दफ्तर में भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, भगत सिंह भी किसी कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं थी उसके ऊपर वो लड़ते भी थे और नौजवानों को संगठित भी करते थे, तो कहेगा तुम तो राजनीति कर रहे हो। हम कहते हैं कि जब समाज की बेहतरी के लिए राजनीति करना जरूरी है, और आप जो एक डायनेस्टी करेंगे कि माने नेताजी का बेटा नेता होगा, कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर होगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होगा, ये जो परिस्थिति पैदा की गई है, देखिए दोनों काम है, दोनों प्रोफेशन है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता और नेताजी का बेटा नेता होना चाहता है, ये जो चलता आ रहा है, इसमें अगर इंटरवीन करना है तो नव तरुण, जिसको कहते हैं ना, नए नेताओं को खड़ा करना जरूरी है, जो कि पीपल्स का वॉइस हो, जो जिसका वॉइस डेमोक्रेटिक हो और एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन को वो रिप्रेजेंट करता हो। इसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पहले सरकारों ने बंद किया, चुनाव बंद कर दिया, क्या कह करके कि हिंसा होती है। साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जितनी हिंसा होती है उससे ज्यादा हिंसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के इलेक्शन में होती है। शराब बांटी जाती है, सब कुछ किया जाता है, ये आपका शेडो है, ये आपकी बीमारी है जो विद्यार्थियों के बीच में भी ट्रांसफर होता है। क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट नहीं होता है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं, वो उनके साथ चमचागिरी करके खुद भी सांसद बन जाना चाहते हैं, तब वो राजनीति को उस तरफ ले जाते हैं जो बदलाव की नहीं होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट के पक्ष में चली जाती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। याद कीजिए हिंदुस्तान के अंदर छात्र राजनीति के इतिहास को, सती प्रथा के खिलाफ अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में अगर कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, और अंग्रेजों से लड़ने को लेकर के भी अगली कतार में जो सबसे पहले किताब कॉपी छोड़ करके गांधी जी के साथ और भगत सिंह के साथ जो शामिल हुए वो विद्यार्थी थे। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी को इस लेगेसी को आगे ले जाने की जरूरत है, और बेशक हर एक जगह बोलना चाहिए कि मैं एक सिटीजन हूँ और राइट टू यूनियनाइज हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम अपना यूनियन चुनेंगे क्योंकि हमारा यूनियन हमारी ताकत होगी और हम मैनेजमेंट को झुका करके विद्यार्थियों के पक्ष में जो है नीति बनवाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स आ गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके आप खिलाफ है?
नहीं, ये इसको थोड़ा समझना है। होता क्या है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग विंग बना लेती है, जैसे महिला विंग, मजदूरों का विंग, किसानों का विंग, अलग अलग विंग बना लेगी। और उनको पूछिएगा कि साहब महिला रिजर्वेशन होना चाहिए, तो नेताजी बहुत जोर जोर से बोलेंगे एकदम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, और वो मंच होगा महिला फेडरेशन का। और जब आप अगला सवाल उनसे पूछेंगे तो आपके पॉलिट ब्यूरो में 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं शामिल हुआ है, आप जो टिकट बांटते हैं उसमें 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते हैं, पार्लियामेंट से पहले आप अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। तो ये जो उनका दोहरा व्यवहार है कि वो कहेंगे कि हम मदर ऑर्गेनाइजेशन है और ये तमाम जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये मास ऑर्गेनाइजेशन हमारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो जब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, आप देखिए कितना मजेदार है कि कांग्रेस सरकार में थी यूपीए 2 के वक्त, और इंटक जो है वो हड़ताल पे थी, रोड पे उतरी हुई थी। अभी बीजेपी सरकार में है और बीएमएस भारतीय मजदूर संघ वो स्ट्राइक का कॉल देता है, फिर स्ट्राइक के कॉल को वापस ले लेता है जो हड़ताल सितंबर में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि मास मूवमेंट इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उससे इंडिपेंडेंटली सोसाइटी के अंदर होते रहना जरूरी है, अदरवाइज जो सिविल सोसाइटी का काम है, जो प्रेशर ग्रुप का काम है, वो प्रेशर ग्रुप खत्म हो जाएगा। और डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, तो डेमोक्रेसी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती है, और वो डेमोक्रेसी कभी भी ऑथोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी होता है हम किस मतलब जो भी चीजें आप कह रहे हैं, तो आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज विश्वविद्यालय की पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ने हस्तक्षेप कर दिया है, और जो स्टूडेंट्स विंग्स भी हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की विंग्स हैं। पर इसको अब हम इस वक्त यहाँ ही छोड़ते हैं, आप एक नई मुहिम इन सबसे अलग शुरू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।